दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित राष्ट्रीय सेवा योजना के 50वां स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवियों को कुलपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना परिसर में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के 50वीं स्थापना दिवस के अवसर पर पहुंचे दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती एवं विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के निदेशक केशव सिंह ने कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह को एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद प्रोफेसर सीपी त्रिपाठी को पुष्पमाला व अंग वस्त्र सहित स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कुलपति ने ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के निदेशक डॉक्टर केशव सिंह, प्रोफेसर सुषमा पांडे, विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिशरण सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक गण एवं बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, मना रही है और इसके लिए पुरस्कार वितरण समय अध्यक्षता के लिए पधारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हरिशरण सर और स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने आगत अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि सर उठे आप साथियों मन को उतार दे स्वयं सदैव सुंदर सुंदरा सवार दे कुवियों को पाठ दे हरे हरे मनों की ताल उनकी बढ़ाए बेल प्रेम की अखंड दे स्वयं सदैव सुंदरा आपके सर का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। माल्यार्पण कर अंगवस्त्र प्रदान करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई, आप आगे भी इसको इस प्रयास को जारी रखें और ऐसे हमारा पूरा विश्वास है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। राष्ट्रीय सेवा योजना के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर केशव सिंह, आयोजनकर्ता प्रोफेसर सुषमा पांडे जी, DSW प्रोफेसर रविशंकर जी और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर CPN त्रिपाठी जी ने प्रतिभाग किया। भारी संख्या में NSS के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने जो साल भर में अच्छे कार्य किए थे उसके लिए पुरस्कार का वितरण समारोह भी आयोजन किया गया और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। बच्चों के अंदर जो कम्युनिटी वेलफेयर है उसके प्रति जो उनकी भावना है, सोशल भावना है, सिविक सेंस है, उसको डेवलप करने के काम NSS के द्वारा किया जाता है और पठन पाठन से हट करके समाज में अपना योगदान करना शिक्षा का मूल उद्देश्य रहता है। उसमें यह प्लेटफॉर्म
हमारे विद्यार्थियों को एक अवसर देता है जिससे उनके सर्वांगीण विकास हो सके और राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर पाएँ। इसी के तहत हम एनएसएस के कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।